यमुनानगर लॉकडाउन के चलते इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को खाना बांटने में आरएसओ टीम लगातार अपनी सेवा दे रही है। आपको बता दें कि आरएसओ की पूरी टीम कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन के पहले दिन से लंगर की सेवा दे रही है। रेड क्रॉस में कई संस्थाओं के चले जाने के बाद खाना बांटने का पूरा काम आरएसओ टीम ने संभाल लिया है। सेक्रेटरी रणदीप सिंह ने बताया कि आरएसओ टीम के आने से टेंशन कम हुई है। वेरिफिकेशन करके जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जा रहा है ताकि कोई जरूरतमंद भूखा न रहे। आरएसओ की टीम जब से आई है, मैं शायद अपनी जिम्मेवारियां जो पहले थी उनमें अपने कमी महसूस कर रहा हूं। मेरा जो काम था वो आरएसओ ने संभाल लिया है और इतनी डेडिकेशन से और इतनी मेहनत से आप लोग काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप लोगों की डेडिकेशन देख कर मैं भी कुछ बहुत कुछ सीखा हूं, और आपके काम करने का तरीका और काम करने की लगन से मैं इंस्पायर हूं, और आगे भी मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा तो मेरे अंदर भी सुधार आएगा। मैं तो अपने आप में सुधार समझता हूं आरएसओ की टीम के साथ काम करूँगा। आते हैं जैसे केरला में फ्लड आया था, उस टाइम भी हमने साथ मिलकर काम किया था, लेकिन एक अच्छा टाइम क्योंकि बड़ा लंबा टाइम था, इस लंबे टाइम में आदमी की पर्सनैलिटी को के बारे में भी जानने का मौका मिल जाता है, तो मैं बड़ा इनके प्रति मेरी सोच और ज़्यादा मजबूत हुई।